जुबानी खून लिए, जिगरे में सुकून लिए, आया तारा संदीप एसडीएन घर घर जलाने की के लिए। लगातार 24 साल से आपका संदीप सिंह आपकी सेवा कर रहा है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। आप सबके समर्पण के लिए हमने शादी भी नहीं की है, हमारा परिवार आप हो। कई लोग कहते हैं अकेले हो, अकेले कहां हैं, ये हजारों लोग ही तो हमारे साथ हैं। दो व्यक्ति 45 साल से महेंद्रगढ़ में राज कर रहे हैं, केवल और केवल दो व्यक्ति, कोई और किसी की हिम्मत नहीं थी, केवल और केवल आपके संदीप सिंह ने हिम्मत दिखाई, और वो भी आप सबके बलबूते के ऊपर। ऐसा व्यक्ति अपना पूरा जीवन छोड़ के आपके सामने आया और आपको बोल रहा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, निस्वार्थ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने 4-5 आदमी छोड़ रखे हैं आपके संदीप सिंह को गाली देने के लिए। बहुत गाली देते हैं ये मुझे, लेकिन मैं इनको बोल रखा है दो गाली जितनी दे सकते हो, एक गाली के 1000 वोट बढ़ रहे हैं मेरे। तो जी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कि आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बजरंग बली जी के कसम खा के बोलिएगा, झूठ मत बोलना, क्या इस बारी आप संदीप सिंह का साथ दोगे? और कौन देना चाहता है मुझे दोनों हाथ खड़े करके बताइए। ये तो वाकई में 100%, अगर महेंद्रगढ़ के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं, मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। हमारा महेंद्रगढ़ क्लास 1 सिटी बनाना है। कई एमएलए क्या बोलते हैं, मैं तो विपक्ष का एमएलए हूं, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता, ये सब झूठ बोलते हैं। आपको आप सोच के देखिए, कल को मैं कह दूं कि मैं डीसी महेंद्रगढ़ हूं, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, डीसी से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, क्या संभव है? हर एमएलए को बराबर पैसा मिलता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और कितना मिलता है वो बताना चाहूंगा मैं आपको, 25 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के, विकास के, डेवलपमेंट के, हर साल 25 करोड़ रुपए, जो आ सके पैसा नहीं लगा अपना। आप सोच के देखिए, क्या 30 करोड़ रुपए साल का कम है क्या? अगर वो यूज कर लेते तो पता अपना महेंद्रगढ़ सोने की चिड़िया बन जाता अब तक, लेकिन इनको तो केवल और केवल अपने नालायक बच्चे दिख रहे हैं। पूत का पूत तो क्यों धन संचय, और पूत सा पूत तो क्यों धन संचय? आप देखिए, वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है दोनों, उनको क्या जरूरत है आपकी? वो केवल और केवल इलेक्शन इसे लड़ना चाहते हैं ताकि उनका व्यापार सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूं सत्ता मेरे परिवार को मिले, ना कि केवल दो परिवारों को, जिनको अब तक सत्ता का सुख लेते 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 थके नहीं अब तक, वो सामंतवाद पर फंस जाते हैं, पहले वो, फिर उसका बेटा, फिर पोता। लेकिन आपके संदीप सिंह ने एक बात कही है, दो बार जीतने के बाद हम आप में से बेहतरीन उम्मीदवार को चुनेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इनकी सोच नहीं थी ये दोनों की, इन्होंने तो पीछे करने का सोचा कि महेंद्र कैसे पीछे हो जाए, कैसे आप लोग इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहो, ये सोचा इन्होंने। तो हमारी सोच एक ही रहती है कि आप लोग चांद पे पहुंचो, आगे पहुंचो, आप ये सोचा है हमारी। नौजवान साथियों को मेरा बहुत बहुत प्यार, हिंदुस्तानी खून लिए, जिगरे में सुकून लिए, आया तारा संदीप एसडीएन घर घर जलाने की के दिए। मैं देख रहा हूं आपके चेहरे की चमक, आपका उल्लास, आपका उत्साह। 1947 में, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय
ये जज्बा, ये उत्साह, ये उल्लास जब दिखाई दिया था, उस समय बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, बच्चे सब घर से बाहर निकल गए थे अपने देश को आजाद करवाने के लिए। आज मैं देख रहा हूं अपने सुरेती, तीनों सुरेती के आसपास के जितने भी प्रभु जन, माताएं, बहनें आई हुई हैं, इन सब के चेहरे के ऊपर मैं तेज देख रहा हूं सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मारे रशीद भाई, मैं इनका तेज देख रहा हूं आपके चेहरे पे। आज मुझे एहसास हो गया कि मेरी जो 24 साल की तपस्या थी वो कामयाब हो गई। आपने जो इतना अपनापन, इतना प्यार दिखाया, अपने अपने साधन में चल के आए आप सभी, आपके इतने ट्रैक्टर्स धूम मचा रहे थे दूर दूर तक, अपना राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा अपना ऐसे लहरा रहा था मानो देश आजाद आज हो चुका। मैं देख रहा था 2002 में जब मैंने एसडीएम के पद को ग्रहण किया, उस समय मैंने देखा एक छोटा सा कमरा होता था एसडीएम का, 8x8 का, 4 कुर्सियां। मैंने कहा एसडीएम के कमरे में इतना छोटा सा कमरा, 4 कुर्सियां क्यों है यहां पे? पता लगा वो 4 कुर्सियां भी सिर्फ अफसरों के लिए होती थी, आम जनता के लिए कोई कुर्सी नहीं होती थी। हमने कहा भी एक हॉल में शिफ्ट करो, वहां 40-50 कुर्सियां डाली गई, बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सारा आप लोगों के लिए कि अंदर आना मना है, वो बोर्ड हटवा के हमने लिखे दिया वहां पे कृपया मुझसे मिल के जाए। एक व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए, और एक समय ऐसा हो गया था कि डेली 500-500 लोगों को मैं डील करता था, 500-500 लोगों, और ऐसा नहीं आए उनको टाल दिया, मान सम्मान के तौर पे सबसे पहले हमारा दफ्तर का क्लास 4 अप्लाई उनको पानी लेके आता था, उनके लिए चाय बिस्कुट लेके आता था ताकि अगलों को लगे कि हम अपने दफ्तर में आ गए हैं। उसके बाद उनका काम किया जाता था। पता नहीं कितने ही लोग मुझे अभी भी मिलते हैं कि सर आखिरी दिन था मेरा, आधा घंटा रह गया था, अगर आपके साइन ना होते तो मेरा एक काम रह जाता, मेरी नौकरी रह जाती। आप सोच के देखिए कितनी दुआएं देते होंगे वो लोग, सोच के देखिए। लगातार 24 साल से आपका संदीप सिंह आपकी सेवा कर रहा है, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। हमने अभी बताया था इंजीनियर साहब ने, डीओ साहब ने, आप सबके समर्पण के लिए हमने शादी भी नहीं की हुई है, हमारा परिवार आप हो। कई लोग कहते हैं अकेले हो, अकेले कहां हैं, ये हजारों लोग ही तो हमारे साथ हैं, अकेले तो वो लोग हो जो कहते हैं। लगातार महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल, झज्जर, इधर ही मेरे 20-21 साल गुजरे, एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा कि हमने अपने महेंद्रगढ़ के बारे में सोचा नहीं होगा। हमेशा हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है कि कैसे अपने महेंद्रगढ़ को हम 4 चांद लगा दें, कैसे महेंद्रगढ़ की प्रगति हो, कैसे महेंद्रगढ़ पूरे विश्व में नाम कमाए। आप सबको मालूम है अभी आपके संदीप सिंह की पूरे 10 साल की क्लास 1 की नौकरी थी, अभी पूरे 10 साल की, लेकिन महेंद्रगढ़ की हालात देखकर आपके संदीप सिंह से रुका नहीं गया। हमने कहा कि केवल और केवल 2 व्यक्ति 45 साल से महेंद्रगढ़ विराज कर रहे हैं, केवल और केवल 2 व्यक्ति, कोई और किसी की हिम्मत नहीं थी, केवल और केवल आपके संदीप सिंह ने हिम्मत दिखाई, और वो भी
आप सबके बलबूते के ऊपर। आप देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है, सच्चाई, ईमानदारी और नेक नीति। अभी बताया हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको, हर सरकार ने, यानी कि हर चीफ मिनिस्टर ने, हर मुख्यमंत्री ने आपके संदीप सिंह को 21 साल में हर बार हर साल बेहतरीन अफसर का इनाम दिया हुआ है, बेहतरीन अफसर का। आप सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति अपना पूरा जीवन छोड़ के आपके सामने आया और आपको बोल रहा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, निस्वार्थ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप सबको मालूम है एक क्लास वन ऑफिसर को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, गनमैन सब मिलता है। सारी सुख सुविधाएं तो थी हमारे पास, सत्ता तो थी हमारे पास, लेकिन सत्ता छोड़ के सत्ता देने के लिए आए हम आपको। आप सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है हम सब मिलके अपने महेंद्रगढ़ को आजाद करवाएं, करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़े सीवर लाइन से और तरह तरह की बुराइयों से आजाद करवाएं। और केवल आप सब मिलके ही आजाद करवा सकते हो। मैं देख रहा था पिछले इलेक्शन में आपके अंदर इतना ही जज्बा था, इतना ही उत्साह था, इतना ही उल्लास था और आपकी जो रिपोर्ट ऊपर गई हुई थी वो रिपोर्ट थी कि महेंद्रगढ़ की सीट पक्की है संदीप सिंह एसडीएम की। लेकिन 2 दिन पहले जनता को भ्रमित कर दिया गया, संदीप सिंह एसडीएम के तो 2000 वोट हैं, 5000 वोट हैं, 10000 वोट हैं। जनता को समझ नहीं आया, पहला इलेक्शन था, जनता भ्रमित हो गई। हमारी जनता बड़ी भोली वाली है, उनको मालूम नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आया और जब देखा कि आपके 34000 के करीब वोट आए तो जनता को बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, धोखा लगा। आप सही कह रहे हैं कि क्या कर दिया हमने, अगर थोड़ी सी मेहनत कर देते तो आज महेंद्रगढ़ में राम राज स्थापित हो जाता, राम राज। मैं भी वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहा था, उसमें रामराज की डेफिनेशन, परिभाषा लिखी हुई थी कि रामराज क्या होता था, जहां पे कोई बीमारी ना हो, जहां पे किसी की असमय मौत ना हो, जहां पे खुशहाली खुशहाली हो, जहां पे कोई परेशान ना हो, वो रामराज होता है। वो रामराज इस बारी आप स्थापित करके दिखाओगे मुझे मालूम। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने 4-5 आदमी छोड़ रखे हैं आपके संदीप सिंह को गाली देने के लिए। बहुत गाली देते हैं ये मुझे, लेकिन मैं इनको बोल रखा है 2 गाली जिन्हें दे सकते हो, 1 गाली के 1000 वोट बढ़ रहे हैं मेरे तो, 1 गाली के। तो देने दो इनको गालियां, हमें कोई परवाह नहीं है। आप सोच के देखिए, मेरे पास मेरा फोन है, ये फोन मैं इनको दे रहा हूं पाल जी को, इन्होंने कहा मैं फोन नहीं चाहिए, तो किसके पास रह गया, मेरे पास ही रह गया। तो गाली मैं ले ही नहीं रहा तो उन्हीं के पास रहेगी गाली, चाहिए नहीं हमें गालियां, आपके पास रखी गालियों को। तो देखिए, समय बदलाव का है, समय ऐसे परिवर्तन का है जहां पे सत्ता आपके हाथ में हो। इस बारे में बताना चाहूंगा आपको, लटकी हुई सरकार आनी है हरियाणा में, किसी का बहुमत नहीं आना और सुनहरी मौका है हम सबके पास। निर्दलीय जीत के जाओगे, बड़े से बड़ा ओहदा आपको मिलेगा। हम यहां पे इस पवित्र जगह बैठे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये आपके पास फिर आएंगे 45 साल वाले, आपको फिर भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, झूठे झूठे वायदे करेंगे, तरह तरह के प्रोपगंडे रचेंगे, आपके संदीप सिंह के बारे में झूठी बातें फैलाएंगे। कृपया करके इनकी बातों में मत आ जाना इस बारी। तो जी, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कि आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बजरंग बली जी के कसम खा के बोलिएगा, झूठ मत बोलना, क्या इस बारी आप संदीप सिंह का साथ दोगे?
कौन कौन देना चाहता है मुझे दोनों हाथ खड़े करके बताइए। ये तो वाकई में 100% एक बार ताली बजा दीजिए। मैं वही तो कह रहा था आपके अंदर ही, तो मैं देख रहा हूं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सब आपके अंदर देख रहा हूं। आप देखिए देश को एक दिन में आजाद थोड़ी हो गया था, 1857 की क्रांति देखिया, 100 साल लगे थे मोटे मोटे देश को आजाद होने में, आसान थोड़ी था, कितनी कुर्बानियां दी थी हमारे पूरे देशवासियों ने अपने देश को आजाद करवाने के लिए। आप सोच के देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को क्या जरूरत थी, वो तो डीसी थे, उस टाइम तो डीसी गवर्नर के बराबर होता था, लेकिन उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, वो तपस्या हमारे लिए की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर महेंद्रगढ़ के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं, मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। हमारा महेंद्रगढ़ क्लास वन सिटी बनाना है मुझे, मैंने अपनी क्लास वन की नौकरी छोड़ी है, एक इतनी बड़ी नौकरी वो क्लास वन सिटी बनाने के लिए छोड़ी है, और वो हम सब मिलकर बनाएंगे। आज हमने सबने इस पवित्र प्रांगण में बैठ के फैसला किया है कि केवल हम अकेले नहीं, एक व्यक्ति पांच पांच दस दस व्यक्ति को जोड़े। आपको बताना चाहूंगा मैं, आपका संदीप सिंह रोज रात को 12 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। सोच के देखिए केवल 6 घंटे मुझे आराम का मिलता है, वो 6 घंटे भी दिमाग ये सोचता है कि क्या करूं कल मैं। आपका सबका फर्ज बनता है कि अगर आपका संदीप सिंह 20 घंटे मेहनत कर रहा है तो दिन के 2 घंटे तो आप भी मेहनत करें, ये सबका फर्ज बनता है। और केवल 6 महीने मेहनत कर लो, 60 साल का आराम हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। 6 महीने मेहनत कर लो केवल। मैं बताना चाहूंगा आपको, कई एमएलए क्या बोलते हैं, मैं तो विपक्ष का एमएलए हूं, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता, ये सब झूठ बोलते हैं आपको। आप सोच के देखिए, कल को मैं कह दूं कि मैं डीसी महेंद्रगढ़ हूं, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, डीसी से ज्यादा तनख्वाह मिलती है, क्या संभव है? हर एमएलए को बराबर पैसा मिलता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और कितना मिलता है वो बताना चाहूंगा मैं आपको, 25 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के विकास के, डेवलपमेंट के, हर साल 25 करोड़ रुपए जो आ सके पैसा नहीं लगा अपना। वो पैसा जब मिलता है, जब आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजते हो, यानी कि मोटी भाषा में एक 500 पेज का पन्ना बना के भेजोगे, पेज रजिस्टर पूरा, जब जाके ऊपर से पैसा आएगा। और 5 करोड़ रुपए मिलता है स्वैच्छिक अनुदान, कहने का मतलब है कोई गरीब बच्चे की शादी करनी हो, किसी बच्चे को पढ़ाना हो, कुछ और करना हो, उसके लिए 5 करोड़ आता है। आप सोच के देखिए क्या 30 करोड़ रुपए साल का कम है क्या? अगर वो यूज कर लेते तो पता नहीं अपना महेंद्रगढ़ सोने की चिड़िया बन जाता अब तक। लेकिन इनको तो केवल और केवल अपने नालायक बच्चे दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूत का पूत तो क्यों धन संचय, और पूत सा पूत तो क्यों धन संचय। आप देखिए वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है दोनों, उनको क्या जरूरत है आपकी? वो केवल और केवल इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि उनका व्यापार सुरक्षित रहे। ये सोचना होगा आपको, आपके संदीप सिंह कोई बिजनेस नहीं चल रहा, कोई व्यापार नहीं करता, मैं तो केवल और केवल आपके लिए समर्पित हूं, मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है। तो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को छोड़ दीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको देखना होगा दो रास्ते आपके सामने, एक तो कांटों भरा रास्ता जिसपे 45 साल से चलते आ रहे हो आप, एक फूलों भरा रास्ता जिसपे अब आप चलोगे। आपको देखना होगा आपकी वोट सच्चाई और ईमानदारी को जाती है इस बारी, या फिर बेईमानी और भ्रष्टाचार को जाती है, देखना आपको पड़ेगा। अगर एक वोट भी हम खराब कर रहे हैं तो समझ लो अपने महेंद्रगढ़ को 1000 कदम पीछे ले जा रहे हैं, और अगर एक वोट भी आप संदीप सिंह को डालते हो तो समझ लो महेंद्रगढ़ को 1,00,000 कदम आगे लेके जाओगे। अकेला संदीप सिंह, हमारे डीओ साहब ने बताया, इंजीनियर साहब ने बताया, कुछ नहीं कर सकता, सबको संदीप सिंह बनना पड़ेगा जब भी कुछ होगा।
एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है अपने महेंद्रगढ़ की इस बारी, और उस जीत का श्रेय आप सबको मेरे परिवार को जाएगा। मैं चाहता हूं सत्ता मेरे परिवार को मिले, ना कि केवल दो परिवारों को जिनको अब तक सत्ता का सुख लेते 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 थके नहीं अब तक, वो सामंतवाद प्रथा चाहते हैं, पहले वो फिर उसका बेटा फिर पोता। लेकिन आपके संदीप सिंह ने एक बात कही है, दो बार जीतने के बाद हम आप में से बेहतरीन उम्मीदवार को चुनेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने काफी पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे क्या क्या चीजें इन्होंने बना रखी हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, आज तक अपने हरियाणा में किसी ने शहीदों को सम्मान नहीं दिया ऐसा जैसा कि आपका संदीप सिंह ने दिया है। भगवान ना करे कोई शहीद हो अपने एरिया में, आसपास लगभग 9 जवान शहीद हुए, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर हमने सोचा कि क्यों ना शहीदों के सम्मान में कुछ किया जाए। मुझे हर महीने लगभग 70,000 रुपए पेंशन का मिलता है, 70,000 रुपए। तो मैंने सोचा शहीद के परिवार को सम्मान देने के लिए एक पीपल का पेड़ दिया जाए, क्योंकि पीपल का पेड़ भी अमर होता है और शहीद भी अमर होता है। और साथ साथ 5 जिस गांव में शहीद होते हैं, 5 बच्चे जो 9वीं क्लास में टॉपर हैं, उनको 10वीं के लिए छात्रवृत्ति शहीद के नाम से हम दे रहे हैं। और साथ साथ 51,000 रुपए की सम्मान राशि वो शहीद के परिवार को दी जा रही है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी देखिए अपनी जमीन का रेट क्या होगा यहाँ पे, मुझे लगता है 25-30 रुपए एकड़ होगा शायद ना, 25-30 लाख रुपए इतना ही होगा निकाल से, लगता 20 एक है ना। जिस दिन आपके 4 धाम बन जाएंगे, माताओं बहनों खासतौर पर आपके लिए स्कीम है ये, हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बोला था कि जो भी हिंदू 4 धाम की यात्रा कर लेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। लेकिन माताओं बहनों बुजुर्गों, आपके लिए बड़ा मुश्किल है 4 धाम में जाना, कहां बद्रीनाथ जाओगे आप, कहां रामेश्वर उसको नहीं पड़ता, कहां द्वारकाधीश और कहां पे फिर आपका पूरी धाम, 4 धाम अलग अलग दिशाओं में है, आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, उधर खर्चा भी बहुत ज्यादा, जाना भी बहुत दिक्कत है, कोई हैंडीकैप है कोई वैसे है। तो उसके लिए हमने फैसला किया है, आपकी ये माधवा की घाटी सारी खाली पड़ी है, जिस दिन आप पावर में आओगे सबसे पहला काम हमारा माताओं बहनों होगा 4 धाम बनाने का। 4 धाम आज नहीं सोचा किसी ने भी, पहली बारी किसी व्यक्ति ने चीज सोची, और जिस दिन 4 धाम बन जाएंगे माताओं बहनों, उस दिन आपके बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए, यहीं पे अपने गांव के पास ही 15,000 से 20,000 की नौकरी मिलेगी। और आपकी जमीन, जो भी किसान भाई यहां बैठे हैं, आज जो 20 लाख रुपए एकड़ है वो अगले 5 साल के अंदर अंदर 5 करोड़ रुपए एकड़ हो जाएगा आपका, 5 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए कितना कुछ होने वाला है यहां पे, कितनी डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन इनकी सोच नहीं थी ये दोनों की, इन्होंने तो पीछे करने का सोचा कि महेंद्र कैसे पीछे हो जाए, कैसे आप लोग इनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहो, ये सोचा इन्होंने। तो हमारी सोच एक ही रहती है कि आप लोग चांद पे पहुंचो, आगे पहुंचो, आप ये सोचा है हमारी। आप देख रहे हैं लंबी वायरस में पिछली बारी 1 साल पहले एक बीमारी आई थी देसी गांव में, गायों में लंपी वायरस की, कितनी ही देसी गायों की डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गई, किसी ने नहीं सोचा उनके बारे में। मुझे काफी गौपालक मिले, उन्होंने मुझे कहा कैसा आगे से हम देसी गाय नहीं पालेंगे, हमें बड़ा भारी नुकसान हुआ। मैं कहा नहीं ऐसा मत कहिए आप, ये हमारी प्राचीन परंपरा है, इसको आपको कायम रखना होगा। उसके लिए हमने कृष्ण जी के नाम से एक सेवा रतन शुरू किया है, हर महीने 5 गऊ पालकों को अपने पेंशन में से 11,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। आज तक
पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं मैं, सभी प्रभु जन सुनिएगा ध्यान से। किसी ने भी सरकारी स्कूलों में संविधान की पढ़ाई निःशुल्क करवाई थी? आपके संदीप सिंह ने पहल करके अपने महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूलों से संविधान की पढ़ाई शुरू करवाई, और साथ साथ ग्राम पंचायतों को भी हमने बोला है, सरपंच को भी बोला है हमने, अभी इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम हर गांव में दो पंचायत की कॉपी दे रहे हैं, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्कूलों के लिए और एक सरपंच साहब को पंचायतों के लिए, ताकि हमारे बच्चे जब आगे बढ़े तो पूछा जाए उनसे, तुम कहां से पढ़ के आए थे जो तुम्हें संविधान के बारे में पता है? और संविधान तो ऐसा पवित्र ग्रंथ है, जिसने वो पढ़ लिया समझो उसके जीवन तर गया उसके। तो आप सब भी, मैं यहां पे आज कॉपी देके जाऊंगा मैं संविधान की, वो जरूर से जरूर पढ़िएगा आप लोग। बैठो आराम से बैठो। मैं आपको बताना चाहूंगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, 8 मार्च को, लेकिन हमारा प्रोग्राम 3 मार्च को था, तो हमने फैसला किया कि 3 मार्च को ही हम बना लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें हमने क्या फैसला किया है, हर साल जो भी महिला, जो भी बेटी बेहतरीन काम करेगी समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको एक केसरिया शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और साथ में मेरी पेंशन में से 51,000 रुपए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज झगड़ौली गांव से हमारी बेटी आई हुई है, सुश्री हरिओम, सुपुत्री राम कुमार राजपूत जी, इनके बारे में इनकी उपलब्धि बताना चाहूंगा मैं आपको, इनकी उपलब्धि बताना चाहूंगा मैं आपको। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बड़े दुखद घटना हुई इनके घर में, इनके ब्रदर, इनके भाई शहीद हो गए थे। हरिओम जी, इन्होंने बड़ी हिम्मत करी, उसके बावजूद भी ये यहां चल के आई और हम सब का इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया। जोर से तालियां बजाओ। सुश्री हरिओम तंवर जी के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको, इन्होंने दोनों भाइयों को, एक भाई और भी फौजी आए हुए, इन दोनों भाइयों को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, फौज में भर्ती करवाया, और 2-3 बहनों की इन्होंने शादी करवाई, और खुद इन्होंने शादी नहीं की, अपनी माँ की सेवा कर रही है ये, और एक उत्तम किसानी करती है ये, उत्तम खेती कर रही है ये। आप सोच के देखिए कितना महान कार्य किया है इन्होंने, सुश्री हरिओम ने। एक बार जोर के ताली बजा दीजिए इनके लिए। और हर साल ऐसी बेटी को, ऐसी महिला को हम सब मिलकर सम्मानित करेंगे। कौन कहता है कि काम के लिए पावर चाहिए, बताइए आप, ये तो बिना पावर के काम हो रहे हैं। और जिस दिन आपके हाथ में पावर आ जाएगी उस दिन कितना कुछ होगा, आप सोच के देखिए। ये जो 51,000 की राशि है पावर में आते ही ये 5 लाख रुपए में बदल जाएगी, 5 लाख। मैं सभी गांव वासियों को, स्वर्ती पिलानिया के, जाखल के और मोडियान के और आसपास के गांव के जितने भी प्रभुजन हैं, मैं तहे दिल से आप सभी जो यहां बैठे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इतना टाइम निकाला आप लोगों ने, इतना समय तो प्राइम मिनिस्टर के भी निकालता कोई, जितना आपने मुझे मेरे निकाला। तो ये अपनापन है और ये कमाया जाता है, इसके लिए तपस्या की जाती है। हमने जो आपको दिया आपने मुझे वही तो लौटा है, हमने प्यार दिया, अपनापन दिया, आपकी इज्जत करी, तो आपने भी उससे कोशिश करी कि मैं उससे ज्यादा वापिस करें।